और चलिए अब बात करते हैं अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परीक्षा वोटर लिस्ट से होगी लाल किले की सुरक्षा, क्योंकि 24 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी वोट के मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है और आज ही इसको लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक बड़ी बैठक हुई और इसमें अखिलेश यादव ने अपने प्रभारियों से वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को खत्म करने और नए वोटर को जोड़ने पर जोर दिया। लेकिन 80 सीटों को लेकर जो बात अखिलेश यादव ने कही है उस पर इस वक्त राजनीति उबाल। चौबीस की तैयारी में जुटी सपा, मिशन 80 से गर्म हुई सियासी फिजा। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी परीक्षा वोटर लिस्ट से होगी लाल किले की सुरक्षा। एक तरफ जून की तपती गर्मी है तो दूसरी तरफ मिशन 24 की सरगर्मी है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर करके आए हैं बैक टू बैक रणनीति बनाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव का पूरा जोर नए वोटर बनाने पर है, क्योंकि सपा को अगर अपना वोट प्रतिशत 32 से बढ़ाकर 40% करना है तो सबसे पहला काम अपने वोटर के नाम को वोटर लिस्ट में जुड़वाने का करना होगा। इसके लिए अब अखिलेश ने अपने सभी प्रभारियों को वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़वाने का टास्क दिया है। समाजवादी पार्टी जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची में जो कुछ जानबूझ करके चुनाव आयोग के कुछ कर्मचारी षड्यंत्र करते हैं, समाजवादी समर्थकों को वोट काट देते हैं, मतदान से वंचित कर देते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इन्हीं बातों के सतर्कता के लिए हमने हर जिले से लोग बुलाए हैं, वो लोग मतदाता सूची को चेक करें, छूटे हुए नामों को जोड़ें और जो षड्यंत्र के तहत काटे जा रहे हैं उस पर अलर्टनेस रहे, सतर्कता रहे। दरअसल समाजवादी पार्टी की रणनीति बूथ पर खुद को मजबूत करने, हर बूथ पर मजबूत सिपाही खड़ा करने, वोटर लिस्ट के सभी गड़बड़ियों को उजागर करने, हर बिरादरी में अपनी पकड़ बनाने के साथ साथ महिला वोटर को खुद से जोड़ने की है। क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार ये कहती रही है कि 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी तमाम जो विधानसभाएं हैं वहां पर उनके जो वोटर थे जिन्हें वो अपना वोटर मानते हैं उनके नाम काटे गए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये गड़बड़ी ना होने पाए इसीलिए बूथ को मजबूत करने में समाजवादी पार्टी जुटी है। जिनके नाम काट दिए गए उनके नाम कैसे जोड़े जाएं, नए नाम जो हैं वो ना कटने पाए, इसके अलावा कैसे नामों को जुड़वाया जाए, फोकस समाजवादी पार्टी का जो हम कह रहे हैं बार बार की वो बूथ पर है, वोटर लिस्ट पर है। लेकिन सियासी गलियारों में जितनी चर्चा अखिलेश यादव की रणनीति की हो रही है उससे ज्यादा सियासी बवाल उनके मिशन 80 वाले बयान ने मचा दी है, क्योंकि जब से सपा ने 80 सीटों पर भाजपा को हराने की बात कही है भाजपा ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो उत्तर प्रदेश से अभी 2022 में 400 सीटें जीत करके हमारी सरकार हटा रहे थे, वो 2014 से जीत रहे हैं लेकिन जनता उनको हरा रही है। 2024 में आप विश्वास रखिएगा जहां सपा बची भी है वहां भी कमल खिलेगा। अब जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का एक यही अवसर है और इस तरह की बयानबाजी करके वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की सब जनता जानती है और उन्होंने विधानसभा में भी 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया था और वो कहते थे 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम आए तो आपके सबके सामने है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये नारा दिया है वास्तव में कि सपा में 80 सीटों पर सपा को हराओ और भाजपा को जिताओ, क्योंकि अभी तक वो मोगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, जोक ऑफ द सेंचुरी, क्या 10 सेंचुरी का जोक है ये कि वो उनके पिताजी जो बहुत बड़े नेता थे वो भी ये सपना नहीं देख पाए तो ये क्या देख रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कुल मिलाकर सीधी बात ये है कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की महाबैठक से पहले अखिलेश भाजपा के खिलाफ बड़ी फील्डिंग सेट करने में लगे हैं, क्योंकि 24 में अगर भाजपा को रोकना है तो सबसे बड़ी पारी अखिलेश यादव को ही खेलनी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि 24 से पहले अखिलेश किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, कैसे भाजपा को सभी 80 सीटों पर टक्कर देने की बात कह रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ा प्लान क्या है अखिलेश का, 80 सीटें जीतने पर फोकस।
बूथ के कार्यकर्ताओं को जोड़ना यह भी प्लान का हिस्सा है। गांव गांव जाकर मतदाताओं से सीधा संवाद करना, इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग पर काम करना, दलित प्लस ओबीसी वोट पर खासा तौर पर नजर है अखिलेश यादव की। नाराज नेता जो नाराज हैं, बागी हैं, उनको मनाने की कोशिश रहेगी। महिला मतदाताओं को जोड़ने की मुहिम इस प्लान का हिस्सा है। मतदाता सूची का सत्यापन, उस पर फोकस करना, यह इस प्लान का हिस्सा है। इसके अलावा MY समीकरण को साधे रखने पर खासा जोर। तो अखिलेश यादव इन तमाम फैक्टर्स पर दरअसल कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।